नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो सच चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि जो कि पढ़ने जा रही है मार्च महीने में। दोस्तों आपको बता दें, शिवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, पर उससे पहले आपको यहां हम बताएंगे कि शिवरात्रि कितनी तारीख को मनाई जा रही है और सही समय एवं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और गुरुजी द्वारा अपनी दो दिन पहली कथा में जो गुरुजी ने शिवरात्रि से जुड़े धन प्राप्ति के महा उपाय बताए हैं वो भी बताएंगे, इसलिए आज का वीडियो मिस मत करना और वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने आज के वीडियो को पूरा देखे लिया तो आपको स्वयं महादेव जी की असीम कृपा होगी, जिससे बन जाओगे आप धनवान। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक तक पहुंचाएं। दोस्तों एस्ट्रो सच चैनल आपको इस वीडियो में यह भी बताया कि शिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा गुप्त उपाय किया जाए जिससे आप रात और रात धनी बन सकते हैं। दोस्तों एस्ट्रो सच चैनल की इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो आपका जीवन बदल सकता है, इसलिए इस वीडियो को हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए जान लेते हैं बारी बारी से सब कुछ कि शिवरात्रि के दिन ऐसा क्या खा लेना है हमसे हमको, जिससे हम धन की प्राप्ति हो, हमारी हर एक मनोकामना पूरी हो जाए। चलिए जान लेते हैं। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। मार्ग फागुन फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्नि लेन, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पत्नी पार्वती की पूजा होती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रि में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एक भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि कब रहेगी? वर्ष 2024 में होली के पहले फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी उर्वशी के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण मास में शिवरात्रि और फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। सर्व दिन शिव जी की विशेष पूजा और आराधना होती है और विशेष अभिषेक किया जाता है। अधिकतर मत के अनुसार शिव जी की पूजा निशीत काल में की जाती है। 8 मार्च 2024 शुक्रवार को रहेगी महाशिवरात्रि चतुर्दशी तिथि। प्रारंभ 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:57 बजे चतुर्दशी तिथि। समाप्त 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 बजे। कब है महाशिवरात्रि? चूँकि महासचिव शिवराज स्त्री की पूजा रात में होती है और वह भी निशीत काल में, इसलिए 8 मार्च 2024 को यह पर्व मनाया जाएगा। चतुर्दशी पहले ही दिन निशीत व्यापिनी हो तो उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि का 8वां मुहूर्त निशीत काल कहलाता है। पूजा के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:56 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:17 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:30 से 6:48 तक। संध्या शाम 6:25 से 7:39 तक। अमृत काल रात्रि 10:43 से 12:08 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:38 से 10:41 तक। निश्चित मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:56 तक। क्यों मनाते है महाशिवरात्रि का पर्व? फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी आम आदि देवों महान ऋषि ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदि देव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं।
इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जल रात्रि भी कहा गया है। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य अंग्रेजी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पार्थ भी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं, इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हैं कि पारधी मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे महायोग टीवी चैनल एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को डॉट कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें, जिससे कि हम आपको विशेष रूप से उपाय बता सके। चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों, वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि हम अंत में जो उपाय आपको बताएंगे वह आपकी जीवन बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो का एक भी पाठ आप मिक्स मत करना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मृगी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मिलेगा। उसी रास्ते पर आया शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृत विनीत स्वर में बोला, है पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन मरीजों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मायने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन रोगियों का पति है, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृत को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। आठ, जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो, मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बांध उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मरेगा सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेकों प्रकार से किया जाता है। जलाभिषेक जल से और दुग्धाभिषेक दूध से। बहुत जल्दी सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिरों पर भक्तों, जवान और बूढ़े का तांता लग जाता है। वे सभी पारंपरिक शिवलिंग पूजा करने के लिए जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भक्त सूर्योदय के समय पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं, जैसे गंगा या खजुराहो के शिव सागर में या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत में। शुद्धि के अनुष्ठान हैं, जो सभी हिंदू त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भक्त शिवलिंग स्नान करने के लिए मंदिर में पानी का बर्तन ले जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों सूर्य विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में घंटी और शंकर जी की जय ध्वनि गूंजती है। भक्त शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं और फिर शिवलिंग पर पानी या दूध भी डालते हैं। 8 हालांकि इन सभी अनुष्ठान का वर्णन हमारे पवित्र शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है, जिससे यह शास्त्रानुकूल साधना नहीं है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक, बेरिया बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है। यह पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं, जलती धूप धन को, पद अनाज दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है, और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष अंकन करते हैं। 10 अभिषेक में निम्न वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है: तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल। 11 भगवान शिव की अन्य पारंपरिक पूजा संपादित करें: मुख्य लेख ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग प्रकाश के लिंग जो पूजा के लिए भगवान शिव के पवित्र धार्मिक स्थल और केंद्र हैं, वे स्वयंभू के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न। 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं: 1 सोमनाथ, यह शिवलिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित है। 2 श्री शैल मल्लिकार्जुन मद्रास में कृष्णा नदी के किनारे पर्वत पर स्थापित है। श्री मल्लिकार्जुन शिवलिंग दी महाकाल उज्जैन के अवंती नगर में स्थापित महाकालेश्वर शिवलिंग, जहां शिवजी ने दैत्यों का नाश किया था। 4 कार्य ईश्वर मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदानी देने हुए यहां प्रकट हुए थे शिव जी, जहां ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। 5 नागेश्वर गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थापित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। 6 बैजनाथ झारखंड के बैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग। 7 भीमाशंकर महाराष्ट्र के भीमा नदी के किनारे स्थापित भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। 8 त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से 25 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर में स्थापित ज्योतिर्लिंग। 9 घृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफाओं के समीप वेसल गाँव में स्थापित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। 10 केदारनाथ हिमालय का दुर्गम केदारनाथ जो लिंग हरिद्वार से 150 पर मील दूरी पर स्थित है। 11 काशी विश्वनाथ बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। 12 रामेश्वरम रचनापल्ली मद्रास समुद्र तट पर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं ऐसी कौन सी उपाय किए जाएं महाशिवरात्रि के दिन, जिससे हमें लाभ ही लाभ हो और हमारे जीवन में चल रही समस्याओं या आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करने का माह उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ का दौरा माता से विवाह हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि पर घर में पारद शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह कर स्थापना कर प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं, इससे आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं, इससे घर में कभी अन्य की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें व नम शिवाय मंत्र का जप करें, इससे मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें, इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही हॉट जूस है भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धन पूर्वा रूप में बंधा नृत्यो मुख्य माँ अमृता स्वः भुवः भूः है जो हो मंत्र का जप करते रहें, इससे बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है। शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से नम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे इच्छाएं पूरी हो सकती है। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं, इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिवरात्रि पर भगवान